लोगों ने हमारा जो थंबनेल देखा ना, अभी जो आपने थंबनेल देखा, बस वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं रास्ते पे और दिखाता हूँ पूरा रास्ता कैसा है। देखते देखते चलते हैं गलतेश्वर की तरफ। तो गाइस पूरा वीडियो जरूर देखना, वो मिलेंगे गलतेश्वर पूरा रास्ता देखे हुए। और गाइस मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ से सूरत से, सूरत रेलवे स्टेशन से गलतेश्वर का जो डिस्टेंस है, मतलब उसकी दूरी है, मतलब 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर होता है यहाँ सूरत से गलतेश्वर। तो हम चलते हैं अभी गलतेश्वर, रास्ते में पूरा देखते हुए जाएंगे गलतेश्वर। चलो चलते हैं अभी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो देखो गाइस अभी हम लोग है कामरेड 4 रास्ता पर। एक रास्ता है अहमदाबाद बड़ौदा की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता है मुंबई की तरफ जाता है ऊपर, ये ऊपर की साइड वाला, और सीधा जाता है गलतेश्वर की साइड। देखो हमें जाना है सीधा गलतेश्वर। तो गाइस हम लोग है कामरेड 4 रास्ता है, वहाँ से पार कर चुके हैं कामरेड 4 रास्ता, पार करके आगे निकल गए। इन दोनों साइड बहुत ही मस्त हरे भरे पेड़ वगैरह आ रहे हैं, बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ का भी, क्योंकि अभी बसंत ऋतु चल रही है, इसके लिए यहाँ पे जो पेड़ वगैरह बहुत ही बढ़िया बन गए और बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है उसका। तो मैं वीडियो में उसको शूट कर रहा हूँ और लेते लेते हम लोग गलतेश्वर जाएंगे। और गाइस मैं आपको गलतेश्वर की एक बात और बता दूँ कि गलतेश्वर में बहुत ही बड़ा शिव जी का प्रतिमा है, मतलब 62 फीट का शिव जी का प्रतिमा है, और एक गलतेश्वर महादेव का मंदिर भी है वहाँ पर। और 62 फुट का जो गलतेश्वर महादेव का प्रतिमा है उसके नीचे ही 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन होते हैं वहाँ पर अंदर जाके। तो हम लोग जाएंगे आज और देखेंगे कि हम लोग को वीडियो में अलाउड है कि नहीं, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है, वो वीडियो में शूट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। अभी चलते हैं, रास्ता बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मस्त आ रहा है, पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा और वैसे जाएंगे गलतेश्वर। और यहाँ गाइस मैं कम से कम अभी 20 किलोमीटर तो पार कर चुका, अभी कम से कम 20 किलोमीटर है रास्ता अभी। तो रास्ते में बता रहूँगा मैं आगे कि कौन से रास्ते पर जाना है और कहाँ से मुड़ना है, मैं सब कुछ बताऊँगा और यहाँ से निकलेंगे अभी। तो देखो गाइज मैं इसी रास्ते की बात कर रहा हूँ, देखो कितना मस्त और कितना सुंदर रास्ता है, नज़ारा देखो गाइज रास्ते का, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, क्योंकि दोनों साइड एकदम हरे भरे पेड़ वगैरह आ रहे हैं, इसलिए रास्ता बहुत ही सुंदर है। ये रास्ता भी एकदम नया बनाया हुआ है और क्लियर रास्ता है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ का नज़ारा गाइज तो मेरे को तो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि दोनों साइड रास्ते के दोनों साइड जो हरे भरे पेड़ वगैरह आ रहे हैं, इसलिए रास्ता बहुत ही सुंदर है देखो। और गाइज में नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि मैं रास्ते में गाड़ी लेके चलते हुए शूट कर रहा हूँ और अपना वॉइस ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें नॉइज़ थोड़ा बहुत आएगा, इसके लिए सॉरी। तो देखो कितना मस्त और कितना बेहतरीन रास्ता है देखो गाइज। अभी जो बसंत ऋतु चल रही है इसके लिए सब ऐसा हरा भरा हो गया है, देखो पेड़ वगैरह सब, और एकदम नया लग रहा है, देखो कितना मस्त है व्यू। तो देखो गाइस ये गलतेश्वर जाने का रास्ता है, ये देखो ये वाला है शॉर्ट रोड है, यहाँ से गलतेश्वर 4 किलोमीटर दूर होता है, और ये है बहुत ही लंबा रास्ता, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा हमको, यहाँ से गलतेश्वर होगा 10 किलोमीटर लंबा, ये लॉन्ग रूट है और ये वाला शॉर्ट रूट है हमारा। तो हम ये शॉर्ट रूट वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि हमारे पास 2-व्हीलर है इसलिए। और गाइज अगर आपके पास 4-व्हीलर वगैरह है तो गाइज आपको ये लॉन्ग रूट ही पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट वाला रास्ता है, वहाँ से 2-व्हीलर ही जा सकता है, 4-व्हीलर नहीं जा सकता, और यहाँ से सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ से जो जाएगा 4-व्हील लेकर, तो गाइज ये रास्ते में कोई दूसरा गाड़ी आएगा तो आपको दिक्कत होगा रास्ते में, इसीलिए ये शॉर्ट रूट से मत जाना आपके पास अगर 4-व्हीलर तो।
और अगर आपके पास टू व्हीलर है तो ये रास्ते से जाना, और फोर व्हीलर है तो ये रास्ते से जाना। हम तो ये रास्ते से जाएंगे, अभी 4 किलोमीटर और दूर रह गया गलतेश्वर, और मिलेंगे गलतेश्वर पर भी। तो देखो गाइज, हम लोग ये वाले रास्ते से आए हैं अभी, और ये वाला जो रास्ता है लॉन्ग रूट वाला है, और ये वाला शॉर्ट रूट वाला रास्ता है, और ये जो बारडोले की तरफ से आता है और इस तरफ जाता है गलतेश्वर की तरफ। देखो ये इस तरफ गलतेश्वर आता है और इस तरफ है बारडोले आ रहा है, और ये शॉर्ट रूट से हम लोग अभी आए, अभी जाएंगे यहाँ से गलतेश्वर की तरफ हम लोग। देखो है कितना बढ़िया और कितना मस्त रास्ता है, और अभी सामने की साइड है गलतेश्वर महादेव का मंदिर, वहाँ जाके रुकेंगे। तो देखो गाइस, ये वाला रास्ता सीधा जा रहा है, वो दूसरी जगह पे जा रहा है, और यहाँ से नीचे से जो रास्ता जा रहा है वो गलतेश्वर मंदिर की तरफ जा रहा है। हम लोग इसी रास्ते पर जाएंगे अभी गलतेश्वर मंदिर की तरफ। हम लोग आ गए महादेव के मंदिर की तरफ, एक गलतेश्वर महादेव का मंदिर वहाँ पर आ गए। देखो अभी हम लोग, तो देखो गाइस यहाँ से हमारा एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से हमको गाड़ी की एंट्री होती है। तो गाड़ी का एंट्री के लिए ये लोग 10 रुपया चार्ज कर रहे हैं टू व्हीलर का, और फोर व्हीलर का भी 10 रुपया चार्ज कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री होते हैं, हमारी एंट्री इस तरफ है, और एंट्री के बाद ही हम पार्किंग एरिया पूरा, ये देखो पूरा पार्किंग एरिया, हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं हमारी, और हमने भी हमारा गाड़ी था जो यहाँ पे खड़े कर दिया अभी, वो जाएंगे अभी मंदिर के लिए अंदर। देखो कितना मस्त जगह है, और यहाँ आने के लिए आपको सूरत से 40 किलोमीटर की दूरी होती है, और यहाँ पर आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी लेके आ सकते हो सूरत रेलवे स्टेशन से, वहाँ से रिक्शा में भी आ सकते हो स्पेशल बंधवा कर। तो देखो गाइज, यहाँ पर है गलतेश्वर महादेव जी का मंदिर, और यहाँ पर प्रतिमा बहुत बड़ा है, और यहाँ पर है एक देवी भवन नाम से एक भवन है यहाँ पर, और ये सामने की साइड बहुत सारी शॉपिंग वगैरह के लिए दुकान वगैरह है, मतलब शॉपिंग कर सकते, खाना खा सकते, होटल वगैरह छोटी छोटी होटल वगैरह बहुत सारे, रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा है। देखो सामने की साइड, और ये पूरा पार्किंग एरिया देखो यहाँ, और सामने की साइड पानी का व्यवस्था है, मतलब पानी पीने के लिए व्यवस्था है यहाँ सामने की साइड, और ये सब देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, और ये सब पार्किंग एरिया देखो, और सामने की साइड टॉयलेट वगैरह भी है। देखो सामने टॉयलेट वगैरह भी है, वहाँ पर टॉयलेट भी है। तो देखो गाइस, ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, ऊपर लिखा है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। तो देख गाइस, यहाँ सामने की साइड आपको दिख रहा होगा महादेव का प्रतिमा, यहाँ पर हम अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे पूरा मंदिर भी। तो देखो गाइस, सामने की साइड है महादेव का बहुत ही बड़ा प्रतिमा, इतना मस्त और सुंदर व्यू आ रहा है महादेव का, जो 62 फुट का महादेव का प्रतिमा है बहुत ही बड़ा, और देखेंगे अभी हम लोग अंदर जाकर और महादेव के दर्शन वगैरह भी करेंगे हम लोग। देखो गाइज, ये है हमारे महादेव की प्रतिमा जो 62 फीट का है, मतलब 62 फीट का प्रतिमा है महादेव का, और इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग भी दिखाया हुआ है, और सामने की साइड है देखो, ये है गलतेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही बड़ा। देखो ये गलतेश्वर महादेव का मंदिर है, और यहाँ पे है हमारे महादेव जी की प्रतिमा, पूरे गुजरात के अंदर इतना बड़ा प्रतिमा नहीं है, इतना बड़ा प्रतिमा यहाँ पर है। और ये देखो यहाँ भी दूसरा भी मंदिर है एक, और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है गलतेश्वर महादेव के मंदिर के, जो 12 ज्योतिर्लिंग है दर्शन करने के लिए, वहाँ जाएंगे अभी, वहाँ पे देखते हैं वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं, फिर उसका भी वीडियो बनाएंगे, बनाने देते होंगे तो। तो देखो गाइज, आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा प्रतिमा हमारे पीछे महादेव जी का, देखो हमारे वीडियो में कैप्चर भी नहीं हो रहा इतना बड़ा प्रतिमा, देखो ये पूरा प्रतिमा एक साथ नहीं आ रहा, और पूरा हम भी नहीं आ रहे देखो, इसलिए सर टेढ़ा मेरा फ़ोन करके पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो कितना बड़ा प्रतिमा है, देखो कितना मस्त और कितना सुंदर प्रतिमा है, और यहाँ अगल बगल का एरिया बहुत ही मस्त है और बहुत ही बेहतरीन। हमने पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाए, उसमें हमारा कोई वॉइस नहीं है, उसमें खाली हमने एक सॉन्ग लगा के पूरा वीडियो रख दिया यूट्यूब के अंदर। तो ये देखो पूरा वीडियो कितना मस्त बनेगा हमारा, और आप देखना जरूर, आपको अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक भी कर देना वीडियो को। देखो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, सामने की साइड से अंदर जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग है उसके भी दर्शन करेंगे। देखो
और ये है गलतेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर देखो ये जो रास्ता जा रहे हैं, हम लोग अंदर जा रहे हैं जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, प्रतिमा बनाई 12 ज्योतिर्लिंग की, उसकी प्रतिमा वहाँ के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी देखते हैं वहाँ पे वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं, हमको बनाएंगे तो बताऊँगा आपको। देखो हम भी अंदर जा रहे हैं और दिखाऊँगा आपको अंदर का व्यू। देखो लोग बना रहे हैं पर हम भी जाके देखते बनाने देते हैं कि नहीं। तो देखो गाइस ये है यहाँ का प्रवेश द्वार और यहाँ पे सामने की साइड अंदर बनाए हुए 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतिमा, और 12 ज्योतिर्लिंग हम एक साथ देखेंगे यहाँ पे अभी गलतेश्वर महादेव के मंदिर पर। तो देखो गाइस ये अंदर की साइड का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ स्थापित की गई है। यहाँ पे हमारे देश के 12 जगहों पर जो ज्योतिर्लिंग बनाए हुए हैं, ज्योतिर्लिंग 12 जगहों पर, वो एक साथ यहाँ पर गलतेश्वर महादेव ने स्थापित किया हुआ है। एरिया में 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं। पहले सामने की साइड से हमारा सोमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग वहाँ से शुरू होता है और वहाँ पर केदारनाथ वगैरह मंदिर है, इसका ज्योतिर्लिंग वहाँ से ख़त्म होता है। देखो ये पूरा वीडियो अंदर की साइड का, मैं पहली बार अंदर की साइड शूट कर रहा हूँ वीडियो। देखो ये 12 ज्योतिर्लिंग, मैं 3 बार यहाँ पर आ चुका हूँ पर ये पहली बार फर्स्ट टाइम ये यहाँ अंदर का वीडियो में शूट कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखो, बहुत ही मस्त व्यू और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर अंदर। मैं आपको वापस भी दिखाऊँगा। देखो कितना मस्त और कितना सुंदर व्यू है अंदर का। देखो ये ऊपर की साइड की, देखो बहुत ही मस्त बनाया हुआ है अंदर की साइड। देखो एकदम सुंदर व्यू है यहाँ पर। देखो पर अगर आप लोग नहीं आए हो तो गाइस यहाँ पर आना जरूर है, बहुत ही देखने लायक और बहुत ही सुंदर जगह है। देखो यहाँ पे दर्शन करने एक बार जरूर आना 12 ज्योतिर्लिंग। ये देखो ये पहला ज्योतिर्लिंग है हमारा गुजरात का सोमनाथ का। देखो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, देखो दूसरा पहला, और ये है दूसरा मल्लिकार्जुन। और ये देखो तीसरा है जो महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। देखो यहाँ पर और ये देखो चौथा ज्योतिर्लिंग है जो ओमकारेश्वर का है। ये देखो ये पांचवा ज्योतिर्लिंग है जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, देखो झारखंड का। ये हमारे गुजरात का दूसरा ज्योतिर्लिंग जो नागेश्वर में है। ये देखो गाइस ये है छठा ज्योतिर्लिंग जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। देखो यहाँ पर ये है बाबा अमरनाथ की गुफा, ये देखो बाबा बर्फानी की गुफा का वीडियो है। देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, स्थापित किया है बाबा बर्फानी का वीडियो। देखो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, देखो यहाँ पर रामेश्वर का ज्योतिर्लिंग बनाया जो हमारे प्रभु श्री राम ने बनाया, वो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। यहाँ पर है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, देखो यहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखो जो केदारनाथ महादेव उसका मंदिर का वीडियो, देखो शिवलिंग है, देखो केदारनाथ महादेव का। ये देखो ये धुनेश्वर है महादेव का ज्योतिर्लिंग। देखो यहाँ पर ये लास्ट ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग मैंने आपको दिखा दिया अंदर की साइड। ऊपर से जो चिड़िया आ रही है वो मंदिर की तरफ से आ रही है और नीचे जा रही है। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पर जा रहे हैं अभी, जहाँ स्विमिंग पूल का जो टिकट का प्राइस है 50 रुपया है स्विमिंग पूल में नहाने का। अभी धूप चल रहा है तो लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से सिर्फ नहाने के लिए आते हैं स्विमिंग पूल में। तो दिखाता हूँ नीचे जाके स्विमिंग पूल का भी पूरा व्यू आपको। तो देखो गाइस ये है स्विमिंग पूल यहाँ पर, ये जो तापी रिवर है उसका पानी कैनाल के माध्यम से यहाँ पर स्विमिंग पूल में लाया जाता है और यहाँ पर सब लोग नहाने के लिए आते हैं। देखो कितना मस्त व्यू है, अभी नीचे भी जाएंगे और दिखाऊंगा वहाँ पर जाकर भी। देखो कितना मस्त व्यू है सामने, अभी जाएंगे नीचे की तरफ। तो देखो गाइस ये है तापी रिवर यहाँ पर और ये है स्विमिंग पूल, देखो बनाया हुआ है स्विमिंग पूल बनाया हुआ है देखो पूरा, और ये सब लोग नहा रहे हैं वहाँ पर, और यह है तापी रिवर पूरा। देखो वो पानी उस साइड से आता है और इस साइड से वापस चला भी जाता है पानी। देखो अंदर रिवर के अंदर से ही पानी आता है, रिवर में वापस चला जाता है। ये लोग साली पानी को बिगाड़ रहे बस, और कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से नहाने के लिए आते हैं। धूप है इसलिए नहाने के लिए सब लोग आ रहे हैं। देखो कितना मस्त व्यू है यहाँ का। देखो तो
देखो गाइस सामने नीचे की साइड कितना मस्त व्यू आ रहा है, क्योंकि सब लोग नहा रहे हैं वगैरह वगैरह। पानी में जो ये तापी रिवर है उसके अंदर से जो पानी अंदर लिया है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल में सब लोग नहा रहे हैं। बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। हम लोग कपड़ा वगैरह दूसरा नहीं लेके आए इसलिए, वरना हम भी नहाते। और गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ के जो अंदर आने का चार्ज जो 50 रुपीज़ चार्ज लगता है, यहाँ पे नहाने का जो अंदर आके नहाना आपको, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा, ऊपर की साइड 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा, उसके बाद आपको एंट्री देगी यहाँ पे स्विमिंग पूल में आने की। तो पूरा दिन आपको या आप लोग यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं पूरा दिन। देखो बहुत ही मस्त और बहुत सुंदर नज़ारा है। अभी आज के वीकेंड के टाइम पे आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे संडे के दिन वगैरह में। आज संडे तो है नहीं इसलिए थोड़ा बहुत भीड़ कम है, मतलब संडे होता तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है संडे के दिन। आज संडे नहीं इसलिए भीड़ बहुत थोड़ा कम है यहाँ पर। ये देखो सब लोग यहाँ पर नहा रहे। देखो वह गाइस वापस यहाँ से जाएंगे ऊपर और दूसरा बुज देखेंगे अभी। ये देखो ऊपर की साइड जाएंगे अभी, बहुत ज़्यादा सीढ़ी देखो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, और बहुत नीचे तक है तापी रिवर। तो देखो गाइस यहाँ से ऊपर की साइड से स्विमिंग पूल में कितना मस्त नज़ारा है। देखो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है स्विमिंग पूल का, देखो ऊपर से, और यहाँ पर तापी रिवर दिख रहा है, और ये पीछे की साइड मंदिर है। देखो यहाँ पर मंदिर है और ये पूरा शेड बनाया हुआ है, देखो यहाँ पर सब बैठने के लिए आराम वगैरह के लिए। देखो और नीचे की साइड है पूरा स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल का नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, देखो नारदी कुंड ऐसा कुछ नाम लिखा है स्विमिंग पूल का। और देखो इतना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से ऊपर से। तो देखो भाई ये है यहाँ पर शमशान वगैरह है, यहाँ पर शमशान है। देखो वहाँ पे किसी को जला भी रहा है, देखो सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पे किसी का देहांत हो गया, उसको जला भी रहा है, देखो सामने की साइड। और ये देखो पीछे की साइड से पूरा शिवजी का प्रतिमा का इतना बड़ा व्यू आ रहा है। देखो यहाँ पे एसी वगैरह सब लगाया हुआ है, और देखो कितना ऊपर तक है। देखो गाइज अभी यहाँ पे कितना भीड़ है, देखो बहुत सारा भीड़ अभी भी है। और गाइज यहाँ पर हर साल में जो साल के अंदर जितने भी महादेव के त्यौहार आते हो गए उसमें हर साल यहाँ पर भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर। सावन मास हुआ तो यहाँ पर ज़्यादा ही भीड़ रहेगा। देखो अभी भीड़ कितना है। ये यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी का भी मंदिर है, देखो ये है प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ पर, और ये है गलतेश्वर महादेव का मंदिर, और ये हमारे शिव जी की प्रतिमा। तो देखो गाइस ये है यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी का भी मंदिर, छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, बहुत बड़ा झूमर है और सामने मंदिर है, आपको जाके देखा था। ये है प्रभु श्री राम जी का मंदिर यहाँ पर, देखो। तो गैस अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं थोड़ी देर आराम से, यहाँ पे बहुत सारे झूले लगाए हुए हैं, बहुत सारे झूले लगाए हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी देर आराम। तो गैस आप लोग को हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना आप लोग। और देखो पीछे हमारे बहुत ही बड़ा प्रतिमा दिख रहा है महादेव जी का। तो देखो गैस यहाँ से दूर से महादेव का प्रतिमा कितना मस्त लग रहा है, देखो और छोटा भी लग रहा है थोड़ा, बहुत दूर है हम लोग यहाँ से। और ये देखो ये धूप से बचने के लिए रास्ता बने हुआ है, ये धूप से बचने के लिए, आप लोग को धूप नहीं लगेगा इसलिए ऐसा रास्ता बने हुआ है, पर लोग तो बाहर से ही चलेंगे। देखो और वो देखो सामने बहुत बड़ा दिख रहा है प्रतिमा। ये चलते यहाँ से हम लोग घर की साइड, ये पूरा महादेव का पूरा ज्योतिर्लिंग वगैरह है, दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिया, और गलतेश्वर महादेव के भी दर्शन वगैरह कर लिए। अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग घर की साइड, अभी बहुत टाइम हो गया यहाँ पर घूमते घूमते। अभी घर कितना मस्त बनाया हुआ है यहाँ पर, ये गलतेश्वर मंदिर के अगल बगल में पूरा एरिया है, देखो गार्डन जैसा बनाया हुआ है लोगों के आराम के लिए। ये लोग आते हैं यहाँ पर, थक जाते हैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम करेंगे बैठे बैठे। देखो कितना मस्त व्यू है, और ये सब सीट वगैरह लगाए हुआ है, कुर्सी वगैरह सब यहाँ पर लगाए हुआ है, देखो सब लोग आराम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बच्चों के लिए भी, खेल कूद के लिए भी बनाए हुए, देखो सब कुछ गार्डन जैसा मस्त। देखो तो देखो ये सारी की सारी दुकान वगैरह, यहाँ से प्रसाद वगैरह भी मिलता है, देखो नारियल वगैरह भी मिलता है अंदर लेके जाने के लिए, और ये सब छोटी छोटी दुकान वगैरह भी देखो यहाँ पर।
तो देखो गाइज हम लोग वापस आ गए जहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क की थी पार्किंग में वहाँ पर। अब वापस पार्किंग में गाड़ी लेकर वापस यहाँ जाएंगे घर। ये देखो हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है।